देखिए क्वेश्चन है जेई मेन 2021 20 जुलाई शिफ्ट वन का क्वेश्चन कह रहा है जेड एड ओमेगा आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड ऑफ जेड ओमेगा इज इक्वल टू वन एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस ओमेगा इज इक्वल टू 3π/2 देन आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 - 2 जेड कंजुगेट ओमेगा अपॉन 1 + 3 जेड कंजुगेट ओमेगा इज। ये आपका गिवन कंडीशन है। आप देखो इसका मैं आसान मेथड बताता हूँ, हमेशा आप क्वेश्चन देखो ब्लंटली सॉल्व मत करने लग जाना। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस ओमेगा और मॉड ऑफ जेड इंटू मॉड ऑफ ओमेगा इक्वल टू 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ जेड इंटू मॉड ऑफ ओमेगा इक्वल टू 1। अब आप देखो ये दोनों कंडीशन मैग्नीट्यूड का और एंगल का ध्यान रखते हैं। अगर हम जेड को यहाँ पर पॉइंट माने, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आई होता है आर्गन प्लेन में, और ओमेगा को ये रखें 1, ठीक है, और ये हमारा जेड है। तो आप देखो जेड का एंगल कितना 3π/2 भाई, यही तो होगा 3π/2, ये π/2, ये π/2 और ये π/2 दोनों ऐड, तीनों ऐड हो गए तो 3π/2, और ये इसका ओमेगा का एंगल 0, तो देखो 3π/2 - 0 इक्वल टू 3π/2 एंगल मिल गया। मैग्नीट्यूड 1 और माइनस आई इसलिए रखा, 1 रखेंगे तो 1 और इसका माइनस आई रखेंगे तो 1, दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर आ जाएगा। हो गया हमारा, यही क्वेश्चन डिकोड हो गया। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हमें आर्ग्यूमेंट किसका निकालना है, 1 - सब्स्टिट्यूट कर दो तो जेड कंजुगेट क्या हो जाएगा +2i, ठीक है, सॉरी जेड कंजुगेट मेरा क्या हो जाएगा i, तो -i times 2 ओमेगा, ओमेगा 1 है और यहाँ पे जेड कंजुगेट +i, तो 1 + i times 3, इसका हमें निकालना है। क्या करो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लो, 1 - i times 2, 1 - i 3 और मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 1 और -6 फिर -i3 - i2 upon 10, इसका फिर कर लो तो क्या हो जाएगा -5 - i times 5/10। इसको आप आर्गन दोनों क्वाड्रेंट नेगेटिव, ये कितना है इस क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा, ये पॉइंट मिला हमें। अब इसका एंगल निकालना है तो ये देखो ये 5 यूनिट, ये 5 यूनिट, तो ये कितना हो गया 5/4, ठीक है, और ये 90, तो टोटल इसका आर्ग्यूमेंट कितना निकल जाएगा -5, क्योंकि भाई रियल एक्सिस के बिलो देख रहे हैं तो -5 - π/4 है ना, सॉरी -π/2 - π/4, ये -π/2 यहाँ से यहाँ तक, तो कितना हो गया -3π/4, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस कदर इसको सॉल्व कर लेते आसानी से।